द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक सब प्रचार है और कुछ नहीं है, सब प्रचार मंत्री बन जाते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी पर यह आरोप लगा कि प्रधानमंत्री जी भी प्रचार मंत्री हैं और बाकी उनके जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या फिर उनके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो सब इसी तरीके का एक प्रचार फैलाते हैं और उसकी सच्चाई कुछ इतर होती है। और जब लोग सवाल पूछ लेते हैं खुले मंच पर, तब हालत ख़राब हो जाती है। हम ऐसे एक प्रवक्ता की बात करने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी, जिनका नाम है संबित पात्रा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, मोदी सरकार के कामों का गुणगान किया, जनता ने सवाल पूछना शुरू किया, तो उसके बाद वो अब इधर उधर बगले झांकते दिखाई दे रहे हैं। उनको शायद जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल जो जो चीज़ें उन्होंने लिखकर बाकायदे ट्वीट की थी, जो प्रचार पूरी तरीके से किया था, उसी प्रचार पर एक एक करके जनता ने सवाल दागना शुरू कर दिया है। तो वो सवाल भी हम आपको बताएंगे। उन सवालों से संबित पात्रा, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं उन सवालों को दे पा रही है? स्वयं प्रधानमंत्री भी जवाब शायद नहीं दे पाएंगे। हम आपको उन सवालों को तो बताएंगे, लेकिन पहले जरा दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि संबित पात्रा जी ने किस तरीके का ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा था। सबसे पहले आप संबित पात्रा जी का ट्वीट देखिए। संबित पात्रा ने लिखा, 9 साल बेमिसाल, मतलब 9 साल जितने थे वो काम के थे, बेमिसाल थे। इसमें लिखा, बीते 9 वर्षों में क्या कुछ हुआ है। पहले तो इनके आप सुन लीजिए, गुणगान सुन लीजिए मोदी जी की। मोदी जी की एक बढ़िया फोटो है और फिर उसमें लिखा है, बीते 9 वर्षों में क्या हुआ। पहला जो है, हर साल एक नया IIT का निर्माण हुआ, यानी 9 वर्षों में 9 IIT हो गए देश में। हर साल एक नया IIM बना, यानी हर साल बना तो 9 साल हो गए, तो 9 IIM बन गए होंगे। एक हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोला गया, यानी हर हफ्ते एक हफ्ते अगर खोल रहे हैं तो आप जानते हैं कि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो यानी 9 सालों में कितने सप्ताह हो गए, आप कैलकुलेशन ज़रा कर लीजिए। और फिर हर सप्ताह में कितने एक खोले गए, तो पर सप्ताह मतलब एक साल में 52 यूनिवर्सिटी खोली गई हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी यूनिवर्सिटी 9 साल में खुल गई होंगी। हर रोज़ ITI का निर्माण हुआ, एक नई ITI बनी, तो आप समझिए हर रोज़ अगर ITI का निर्माण हो रहा है तो 365, और 4 सालों में एक लीप वर्ष भी होता है जिसमें 366 दिन भी होते हैं, तो कुल मिला के हम देखें तो एक साल में 365 मान लीजिए, लीप वर्ष हटा ही दीजिए, इसमें लीप वर्ष ना ऐड कीजिए, कोई बात नहीं, मोदी जी कह रहे चलिए एक को कोई बात नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि 9 × 365 यानी 365 × 9 इतने जो है ITI खुल गए भारत देश में। ये सब कुछ हो गया। अब जब इन्होंने ये लिखा तो संबित पात्रा शायद ये भूल गए थे कि जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। जनता सवाल दागना शुरू कर देती जैसे आप कोई सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हो। संबित पात्रा ने सोचा था कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आएंगे और जनता को भ्रमित करके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था साहब। लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सादाब अफरीन है, वो लिखते हैं कि हर साल एक नया IIT निर्माण हुआ तो 9 वर्षों में 9 IIT बने। 9 IIT का एड्रेस भी मेंशन करें, ये पूछा जा रहा है कि 9 IIT जो बनी है उनका एड्रेस भी मेंशन करें, मतलब बताएं उनके बारे में कहाँ है, जनता जाने तो देखिए। तो हर साल एक IIM बनाया तो 9 साल में 9 हुए, सभी नए IIM के एड्रेस भी बताएं। एक हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खोला गया तो 9 वर्षों में 468 हफ्ते हुए, तो 468 यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी बताइए। हर दिन 2 कॉलेज खोले गए तो 9 साल में टोटल 6,570 कॉलेज खोले गए, तो 6,570 कॉलेज का एड्रेस भी बताइए। हर रोज़ एक ITI का निर्माण हुआ तो 9 साल में 3,285 ITI का निर्माण हुआ, तो 3,285 ITI का एड्रेस भी बताएं। संबित पात्रा जी, जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो अपने ही देश के हैं ना, कहीं नाइजीरिया का आंकड़ा तो नहीं बता दिए आप? लीजिए, इस तरीके का सवाल भी पूछा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए इन सवालों से संबित जी बच नहीं पाएंगे, ना इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। अगर वाकई में जवाब देना होता तो पहले से ही जो ट्वीट किया गया था उनमें बाकायदे एड्रेस मेंशन किया जाता और बताया जाता कहाँ कहाँ बनाए। अब इसमें लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं और सवाल दाग भी नहीं। निरंजन ओबराय हैं, वो लिखते हैं, PM मोदी जी चुप्पी तोड़िए, लिखा है कि पहलवान बेटियों के आरोपों पर चुप्पी तोड़िए, मणिपुर में हिंसा पर आप चुप्पी तोड़ दीजिए, पुलवामा हमले के खुलासे पर आप चुप्पी तोड़ दीजिए, जो बड़ा खुलासा जो है आपकी पार्टी के एक नेता जिनको आप ने जम्मू कश्मीर का जो है राज्यपाल भी बनाया था सत्यपाल मलिक, उन्होंने सवाल दागे हैं। अडानी महाघोटाले पर लोग कह रहे हैं कि इन मसलों पर चुप्पी भी तोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाह रहा है। शिवम यादव इस पर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि तुम्हारी बहन को नमन, इस तरह की चीज़ें लोग लिख रहे हैं। 9 ITI के नाम बताओ, 9 IIM के नाम बताओ, 668 यूनिवर्सिटी का नाम बताओ,
6,570 कॉलेज का नाम बताओ, 3,285 आईटीआई के निर्माण की लोकेशन बताओ, कतई कुतप्पे पर उतर आए हो, क्या लगता है? मतलब ये भी कह रहे हैं कई उस पर उतर आए, मतलब जो भी चीज़ें अब लिखी जा रही है आप देख रहे हैं। मनोज करसवारा है वो बकायदे लिखते हैं क्या क्या चीज़ें फुस हो गई हैं। उन्होंने मोदी जी की एक तस्वीर, जैसे कि संबित पात्रा जी ने प्रचार किया उसी तरीके ये दुष्प्रचार किया जा रहा है मोदी जी के लहजे में देखा जाए, संबित पात्रा जी के लहजे में देखा जाए। इसमें लिखा है मेक इन इंडिया फुस, स्टार्टअप इंडिया फुस, पाकिस्तान थर थर फुस, चीन थर थर फुस, कालाधन फुस, 15 लाख फुस, 2 करोड़ रोजगार फुस, स्वच्छ भारत फुस, नमामि गंगे फुस, बुलेट ट्रेन फुस, सड़क का निर्माण फुस, 1 के बदले 10 फुस, महिला सुरक्षा फुस, विकास बाहु फुस, काशी टू क्योटो फुस, 100 स्मार्ट सिटी फुस, विदेशी निवेश फुस। और आगे लिखा है फसल का 1.5 गुना, मतलब किसानों पर क्या हुआ फुस, 1 रैंक 1 पेंशन में क्या हुआ फुस, लोकपाल का क्या हुआ फुस, महंगाई में कमी फुस। मतलब ये चीज़ें देखिए लोग भी लिख रहे हैं कि मोदी जी जो आपने कहा था कि भैया हमने इतना सारा विकास कर दिया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो ये सब सवाल के जवाब भी आपको देना चाहिए। फिर रवि पाठक हैं वो भी सवाल खड़े करते, सवाल दाग रहे, लिख रहे हैं कि ये सरासर झूठ है, हर हफ्ते की यूनिवर्सिटी मने झूठ भी तुमसे शर्मा जाए। क्या ये संभव है एक हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी बनाना? हाँ, कांग्रेस के बनाए गए कॉलेजों को अगर यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर शॉर्टकट मारा हो तो अलग बात है, ना एक साल में एक IIT IIM खड़ा हो सकता है, ना एक हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी। ये रवि पाठक के द्वारा कहा गया है, ये चीज़ें कही जा रही है, आप समझिए। मेहुल मरु हैं वो भी एक ट्वीट करते हैं, वो ज़रा कुछ भारत के नक्शे का बता रहे हैं चीज़ें क्या है क्या नहीं है। दैनिक भास्कर का ये सर्वेक्षण आंखें खोलने वाला है, सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर दक्षिण भारत में, सबसे ज़्यादा वैदिक नियमों से पूजा अर्चना व अनुष्ठान भी दक्षिण भारत के हिंदू करते हैं, इसलिए पूरे दक्षिण भारत ने RSS और BJP के क्षद्म हिंदुत्व को नकार दिया है। जबकि उत्तर भारत में हिंदुत्व के नाम पर केसरिया दुपट्टा पहनकर सड़कों पर शोर मचाने वाले ना तो हिंदू शास्त्र पढ़ते हैं, ना दक्षिण भारत हिंदुओं की तरह सनातन धर्म के नियमों के अनुसार वैदिक अनुष्ठान व सेवा अर्चना करते हैं, इसलिए वे अज्ञानतावश राजनैतिक संगठनों के बहकावे में आकर उनका उल्लू सीधा साध रहे हैं, उल्लू सीधा कर रहे हैं। इनके कामों में सनातन धर्म का अहित हो रहा है, हित नहीं। ये बाकायदे उन्होंने ट्वीट किया है, भारत में हर 1 लाख आबादी पर हिंदू मंदिरों की संख्या, ये ग्राफिक भी उन्होंने बाकायदे साझा किया है। ये मोदी जी के उसी मतलब मोदी जी के उसी प्रचार के लिए ये सब किया गया है, मतलब जो प्रचार मोदी जी के लिए किया जा रहा है संबित पात्रा के, उसी ट्वीट में नीचे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग ये लिख रहे हैं, बताइए क्या बात। राम मोहम्मद सिंह आजाद लिखते हैं कि धन्य हो प्रभु आप लोग, 70 साल में पहली बार इतना बड़ा झूठ बोलने की पराकाष्ठा, अद्भुत, विस्मयकारक, विलक्षण, विचित्र, अनोखा, अतुल्य, मतलब कई सारे शब्दों से एक साथ नवाज दिया है, पराकाष्ठा हो गई है झूठ की, अद्भुत है, विस्मयकारक है, विलक्षण है, विचित्र है, अनोखा है, अतुल्य है, ये जो झूठ बोला गया है। तो अब लोग सवाल तो पूछेंगे ही कि इसका प्रूफ कौन देगा, कहां से कैसे ये हुआ। मोहम्मद कासिफ खान है वो लिखते हैं कि BJP प्रवक्ता के अनुसार बीते 9 साल में 9 IIT 9 IIM बनाए गए हैं, 668 यूनिवर्सिटी, 6,570 कॉलेज, 3,285 ITI बनाया जा चुका है, सब कागज पर है, ये जमीन पर कुछ हुआ ही नहीं। जमीन पर कुछ हुआ होता तो शायद जनता भरोसा भी कर लेती। प्रमोद लिखते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते श्रीमान, यदि ऐसा है तो इन सभी के लोकेशन विद कोऑर्डिनेट भेज दें, आपको भी एहसास हो जाएगा कितना बड़ा झूठ परोस रहे हैं आप। यानी सीधे तौर पर संबित पात्रा को जनता ने खेल लिया है, और किसी एक ने सवाल नहीं पूछा है, कई लोगों ने सवाल दागे हैं कि संबित पात्रा जी इनकी लोकेशन आप बता दीजिए कि कौन कौन सी IIMs बनवाए गए हैं, कौन कौन सी IIT हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, कौन से कॉलेज हैं, कौन से ITI हैं, इन सभी पर जाकर हम लोग चेक कर लेंगे, जान जाएंगे। लेकिन ये ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है, बस 9 वर्षों में विकास की रूपरेखा का आधार बनाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान जनता के बीच परोसने की कोशिश हो रही है, लेकिन सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। द लाइव टीवी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।